नमस्कार, बीए द्वितीय वर्ष से हमारा संस्कृत का शिक्षक जॉब है और जिसके अंतर्गत कि हम लोग बात कर चुके हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ को, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के संदर्भ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के महत्व और उद्देश्य की, लेकिन उससे पहले हम लोग पाठ्यक्रम से संबंधित परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो परिभाषा लिखेंगे पाठ्यक्रम की, प्रो पैनी पैनी के अनुसार, प्रोफेसर पैनी के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम को क्या कहा है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे समस्त स्थितियां आती है जिसको शिक्षालय द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए चुना तथा संगठित किया जाता है। देखिए, प्रोफेसर जो पैनी है उनका कहने का मतलब यह है कि जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर वे सारी जो स्थितियां आती है जिसको शिक्षालय मतलब विद्यालय द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने में, मतलब कि जैसे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण संबंधित जो पाठों का समावेश किया जा रहा है, बालकों के अंदर गणित का ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, विज्ञान से संबंधित कौन सी जानकारी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, अब बालकों की ये सारी जो जानकारी उन्हें प्राप्त करवाई जा रही है पाठ्यक्रम के माध्यम से, वो बालकों के व्यक्तित्व का विकास करती है। सभी को पता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, कि ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बालक के जो सभी पक्ष है उसके समान रूप से उसका विकास हो, इस प्रकार पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। तो पहले भी यही कहते हैं कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास के हेतु ऐसे जो तथ्यों या स्थितियों को चुना जाता है जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। अगला है किल पैट्रिक के अनुसार इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम वास्तविकता, पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। इन्होंने ये कहा है कि पाठ्यक्रम वास्तविकता का, मतलब क्योंकि जो पाठ्यक्रम में जो सारी चीजें दी गई है वो हम और आप लोग जो व्यवहार में देख रहे हैं, अगर हम विज्ञान के अंतर्गत पेड़ों की शाखाओं की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो वो फल सब्जियां हम लोग उपयोग में, मतलब कि जो हमारे जन्म लेने के बाद से ही हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें विज्ञान। तो ये क्या कहता है कि पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है, मतलब कि हमारे आसपास के जो व्यवहार में हम लोग चीजों को देख रहे हैं उसको पाठ्यक्रम क्या कर रहा है, शैक्षिक जीवन में संचार करने का कार्य, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से वो सारी जानकारियां हमें प्राप्त कराने का कार्य कौन कर रहा है, वो पाठ्यक्रम कर रहा है। तो दो परिभाषाओं के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों की जो बात है, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो जो सारी जो स्थितियों का व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहा है तथा ये कह रहा है कि जो व्यवहार में लिया जा रहा है उसी को शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। अब हम पाठ्यक्रम के महत्व को जानेंगे कि पाठ्यक्रम का जो विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, क्यों महत्व रखता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम का महत्व,
पाठ्यक्रम के महत्व के कुछ बिंदु हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। पहला जो महत्व है वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। दूसरा है पाठ्यक्रम पठन पाठन पढ़ने पढ़ाने को, मतलब कि पाठ्यक्रम के आधार पर एक अध्यापक भी क्रमबद्ध रूप से पढ़ा सकता है और विद्यार्थी भी सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे कि कौन सी चीज उन्हें पहले पढ़नी है कौन सी बाद में पढ़नी है। तो पाठ्यक्रम पठन पाठन का वो क्रमबद्ध बनाता है, वो क्रमबद्ध बनाता है। और तीसरा उद्देश्य है पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति परंपराओं आदि का ज्ञान कराता है। अगला जो महत्व है उसमें, क्योंकि जो हमारे आसपास व्यवहार से संबंधित जिस समाज से हम लोग आ रहे हैं उसकी जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, जो संस्कृति हम लोगों ने अपना रखी है, उसके अंदर हमारा रहन सहन पहनावा खान पान सब कुछ आता है, वो सारी चीजें विद्यार्थियों को उसका ज्ञान भी हम लोग पाठ्यक्रम के माध्यम से करवाते हैं। क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो हमारे ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा है तथा विद्यार्थियों को प्राप्त करवाने हेतु उसे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है और उन्हीं वर्गों के आधार पर हम लोग विषयों का अध्ययन करते हैं। तो उसी आधार पर जो संस्कृति परंपरा है वो पाठ्यक्रम में ली गई है और विद्यार्थियों को उनका अध्ययन करवाया जाता है। तो इससे बालकों की संस्कृति परंपराओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए वो महत्व रखती है। अगला है पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के नैतिक गुणों का विकास करता है। अब पाठ्यक्रम है वो बालकों के नैतिक विद्यार्थियों के नैतिक गुणों का विकास करने में सहायक है, इसलिए महत्व रखता है। नैतिक गुण में बड़ों का आदर करना, गरीब के प्रति दया या सहानुभूति रखना, किसी को कोई आवश्यकता है तो वहां पर उसकी सहायता करना, ये सारे गुण बालकों के अंतर्गत विकसित किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। बालकों को जो शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा देने के लिए बालक एक समूह में उपस्थित रहता है और समूह में रहकर वो आपस में मेलजोल बनाता है, समायोजन करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो सहायता प्रदान करनी होती है वो सहायता प्रदान करता है तथा विद्यार्थियों के अंतर्गत ऐसी भावना होती है कि वो यूनिटी में रहकर कार्य करे। तो इस प्रकार से जो नैतिक गुणों का विकास करना एक पाठ्यक्रम के माध्यम से, पाठ्यक्रम है तभी विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित है तथा उसी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और वो शिक्षा बालकों के नैतिक गुणों का विकास करने में महत्व रखती है। अगला है पाठ्यक्रम वह साधन है जो प्राचीन प्रकृति एकत्रित ज्ञान को विद्यार्थियों तक हस्तांतरित करता है।
अब वो पाठ्यक्रम है जो पुराना जो ज्ञान है, मैंने कहा ना कि ज्ञान जो है वो एकत्रित बहुत ज्यादा, अगर इकट्ठा किया जाए तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होगा, इसीलिए इसे भागों में बच्चों के आयु योग्यता के स्तर पर बांट दिया गया है तथा विषयों के आधार पर हम उन्हें शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। तो जो प्राचीन एकत्रित ज्ञान है वो विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग हमने जो सीखा है हम शिक्षा के माध्यम से दूसरों को देंगे, आप लोग जो शिक्षक बन जाओगे जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो अन्य विद्यार्थियों को दोगे, लेकिन देने के लिए आपको पाठ्यक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में वो एकत्रित जो ज्ञान होता है उसको हस्तांतरित करता है अन्य विद्यार्थियों को। अगला है पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में विद्यार्थियों में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, विद्यार्थी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करता है। अगला जो महत्व है इससे बालकों में कल्पना शक्ति जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए दिया गया है उसमें विद्यार्थी है जब उनमें वो व्यवहार में उस ज्ञान को अपना लेते हैं तथा उससे संबंधित जो ज्ञान उन्हें दिया जाता है तब वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर तर्क करते हैं, उन पर विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये सारी चीजें उनमें विकसित हो जाती है। अगला है पाठ्यक्रम बालकों के भविष्य, पाठ्यक्रम बालकों के भविष्य का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है और इस प्रकार उनके, इस प्रकार उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो अगला जो महत्व है कि पाठ्यक्रम में बालकों को भविष्य निर्माण, भविष्य निर्माण कैसे कि बालक इस पाठ्यक्रम को जो पढ़ रहा है अब जिसमें उसकी रुचि है, प्रतिभा है, प्रतिभा रखता है वो, जिसकी मतलब कि बालक है, बालकों की रुचि का पता पाठ्यक्रम के माध्यम से लग जाता है और बालक उसी रुचि को आगे जाकर एक प्रतिभा के रूप में अपनाता है तथा इससे क्या होता है कि फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा भविष्य में वो उसे व्यवसाय के रूप में अपना लेता है, जिससे कि बालकों को जो भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है, भविष्य का मतलब ये आगे जाकर, क्योंकि हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, आप लोग ले रहे हो, क्योंकि आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हो, अभी प्रशिक्षण लेकर क्या करोगे, गवर्नमेंट जॉब की के लिए तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भविष्य, आपने शिक्षा प्राप्त करी, पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते करते आप प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को भी अपने अपनाया, अब यहाँ पर आप एक व्यवसाय से जुड़ गए तथा अब आगे जाकर आप क्या करेंगे इसे ही व्यवसाय के रूप में अपना लेंगे, तो भविष्य का मार्ग आपका पाठ्यक्रम से प्रशस्त हो गया। अब जो कुछ उद्देश्य है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पाठ्यक्रम की जो है उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो पहला है उद्देश्य प्राप्ति का साधन, मतलब कि पहला उद्देश्य कि उद्देश्य प्राप्ति का साधन है पाठ्यक्रम, कैसे जो उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं आगे जाके मुझे टीचर बनना है, ठीक है, अब ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ऐसा है कि अगर जैसे कि प्रशिक्षण काल का पाठ्यक्रम ले लेते हैं, अब इसमें इस पाठ्यक्रम में सारी चीजें जो सम्मिलित की गई है उसके माध्यम से हम लोग एक परिपक्व एक अच्छा टीचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या उद्देश्य हुआ, इस एक पाठ्यक्रम को साधन मानते हुए हम लोगों ने उसे मतलब कि एक शिक्षक को प्रशिक्षित करते हुए पाठ्यक्रम का सहारा लिया, उसे साधन के रूप में अपनाया तथा उसे एक शिक्षक बनाकर वो जगह तक छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है उद्देश्य प्राप्ति का साधन है पाठ्यक्रम। अगला है भाषा, भाषण
शिक्षण के भाषण शिक्षण के उद्देश्य भाषा और साहित्य दोनों से संबंधित होने के कारण व्यापक है। ठीक है, क्योंकि भाषा के अंतर्गत सभी के अंतर्गत तो क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन भाषा के अंतर्गत भाषा से संबंधित जो व्याकरण है उसका भी ज्ञान किया जाता है, और भाषा से संबंधित जो प्राचीन साहित्य है या नवीन जो साहित्य की रचनाएं की जा रही है उन सभी का ज्ञान दिया जाए, तो भाषा और साहित्य के दोनों का ज्ञान प्राप्त किया जाए भाषा शिक्षण से, ऐसा उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। अगला है उद्देश्यों के निर्धारण, उद्देश्यों के निर्धारण में पाठ्य वस्तु तत्व और विषय वस्तु और जीवन मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब जो पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य है उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि उद्देश्यों का निर्धारण जब किया जाए तो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जाने वाली जो वस्तु है तत्व है उनको ध्यान में रखें, विषय वस्तु में क्या दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी कक्षा के बालक के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, व्याकरण ही हो सकती है। व्याकरण में भी कुछ चीजें बालकों को उसी स्तर के अनुसार ही सिखाई जाती है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है पाठ्यक्रम का निर्माण में ध्यान रखना है ना उद्देश्यों को, इस उद्देश्य को ध्यान रखना है कि विषय वस्तु के तत्व को सही सम्मिलित की जाए, जो विद्यार्थियों का आयु योग्यता स्तर उसी के आधार पर उन्हें सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तभी विद्यार्थियों को सही प्रकार से हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में समझा सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का महत्व तो बहुत ही विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को आगे के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अब उद्देश्यों का पाठ्यक्रम जो निर्माण किया जाए तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब देखिए अपना अध्ययन कार्य प्रश्न, आप लोग गृह कार्य है आपका पाठ्यक्रम के महत्व को समझाते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। ठीक है, यह है आपका गृह कार्य प्रश्न जिसे अनिवार्य रूप से आपको अपने उत्तर पुस्तिक में लिखना है, और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर आप बाहर निकले। यदि अगर बाहर निकल रहे हैं आप तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रहना है, और हाथों को वापस से अटैच करते रहना है। सुरक्षित रहें, सभी धन्यवाद।